प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों साथियों, आज हम चर्चा करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती का योगदान एवं मूल्यांकन। जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हमने आपको स्वामी दयानंद सरस्वती के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और राष्ट्रवाद संबंधी, इसी के साथ में वेदों के बारे में, वेद के बारे में क्या विचार थे, सारी बातें समझा दिए। अब उन सभी का निष्कर्ष निकालते हुए आज हम दयानंद सरस्वती के द्वारा क्या योगदान दिया गया है, किसको, राजनीति शास्त्र को, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन को क्या योगदान दिया गया है, योगदान, और इसी के साथ में इसका मूल्यांकन करेंगे कि कहीं दयानंद सरस्वती के विचारों में कोई कमियां तो नहीं है, और कमियां नहीं हैं तो वास्तविक रूप में इनके विचारों में क्या कुछ महत्वपूर्ण गुण हैं, इन सब की चर्चा आज हम करेंगे। तो ध्यान दे बेटा, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, आदर्शवादी विचारक स्वामी दयानंद सरस्वती का योगदान ए मूल्यांकन, लेक्चर नंबर 34। बेटा, दयानंद सरस्वती का योगदान आपको समझना है, इससे पहले मैं आपको एक सूत्र दे रहा हूँ। क्या सूत्र बेटा? सूत्र ये है कि स्वामी दयानंद सरस्वती स्वराज्य के प्रथम अग्रदूत, बहिष्कार के प्रथम अग्रदूत, जैसा कि मैंने यहाँ डायग्राम भी बना रखा है, स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय स्वाभिमान की बात करने वाले पहले आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतक यदि कोई है तो वह दयानंद सरस्वती है। मतलब मेरा कहने का भावार्थ यहाँ यह है कि दयानंद सरस्वती के विचारों के योगदान को आपको समझना है तो सबसे पहले इसी ही बात को शुरू में बोलना है, आपको लिखना है क्या कि दयानंद सरस्वती स्वराज्य के अग्रदूत हैं। क्यों? क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती के समय में भारत सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, प्रत्येक क्षेत्र में पतन की गर्त में गिरा हुआ था। और उस समय कोई भी व्यक्ति ये साहस नहीं कर सकता था कि स्वराज्य भारतीय की प्रथम आवश्यकता है, या भारत केवल भारतीयों के लिए, ये कहने का साहस सबसे पहले केवल दयानंद सरस्वती ने किया। दयानंद सरस्वती वास्तविक रूप में भारत के शेर थे, सिंह थे, शेर, सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दिल खोल करके कहा कि स्वराज्य हमारी प्रथम आवश्यकता है, स्वराज्य भारत की प्रथम आवश्यकता है, भारत भारतीयों के लिए। इसके बाद में ही तो आगे जा करके लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो तिलक के ऊपर दयानंद सरस्वती के विचारों का प्रभाव पड़ा है, आपको ये बात ध्यान रखना है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि दयानंद सरस्वती के द्वारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक क्षेत्र में जो विचार दिए गए हैं उन विचारों की आज भी सार्थकता है। और मैं तो ये कहूँगा कि दयानंद सरस्वती के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण सत्यार्थ प्रकाश है, अगर हम इनका निष्पक्ष रूप में अध्ययन करें तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि स्वामी दयानंद सरस्वती के ग्रंथों में ऐसे ऐसे शाश्वत विचार भरे पड़े हैं जो किसी देश विशेष से, संस्कृति विशेष से, काल विशेष से बंधे हुए नहीं है। सार्वभौमिक, सार्वलौकिक, सार्वकालिक विचार दिए थे इन्होंने। किसने? दयानंद सरस्वती ने। यहीं से हम इनके विचारों के योगदान को शुरू करेंगे। अब जरा ध्यान दें बेटा, सबसे पहले तो मैं पृष्ठभूमि के रूप में यहाँ डायग्राम बनाया, क्योंकि जब तक हम इनको साथ लेकर नहीं चलेंगे तब तक बेटा दयानंद सरस्वती के विचारों का योगदान भी नहीं समझ सकते। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा संक्षेप में समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि पिछले लेक्चर्स में मैंने ये बातें बताई है, अब साथ लेकर चलना ये जरूरी है, क्योंकि ये बातें नहीं समझेंगे तो आगे की बातें भी समझ में नहीं आएंगी। मेरा मूल मकसद समझाना है। मैंने यहाँ डायग्राम बनाया है, सबसे पहले लिखा है मूल लक्ष्य। आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें मूल लक्ष्य के क्या मतलब है बेटा। चूँकि जब हम आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का अध्ययन कर रहे हैं तो आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन के जो जनक हैं, संस्थापक हैं, कौन है? राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय से लेकर के मोहनदास करमचंद गांधी जी तक जितने भी आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतक हैं, जिनमें दयानंद सरस्वती भी आ जाता है, लाल बाल पाल भी आ जाता है, गोखले भी आ जाता है,
इन सब का मूल लक्ष्य क्या रहा है बेटा? इन सब का मूल लक्ष्य रहा है स्वराज्य की प्राप्ति, आत्म चेतना की भावना जागृत करना और आधुनिकता की भावना जागृत करना। आपको ध्यान रखना है इन सब का मूल लक्ष्य रहा है ये, एक बात। दूसरी बात, विचार सृष्टि का सार तत्व है। मतलब जो ये आदर्शवादी विचारक हैं, इन आदर्शवादी विचारकों में हम 5 विचारक लेकर के चल रहे हैं, अरविंद घोष, लाल बाल पाल और दयानंद सरस्वती। लाल बाल पाल का मतलब लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो ये पांचों के पांचों जो आदर्शवादी विचारक हैं, ये पांचों के पांचों आदर्शवादी विचारक यूरोप की आदर्शवादी विचारधारा से प्रभावित हैं। और यूरोप की आदर्शवादी विचारधारा की चर्चा करते तो इसमें महत्वपूर्ण कौन आता है बेटा? हीगल और इमानुअल कांट आता है। हीगल और इमानुअल कांट आता है। और राजनीति दर्शन की जो जनक है प्लेटो, उसको भी इसमें सम्मिलित कर लिया जाता है। अब जो यूरोप की आदर्शवादी विचारधारा, वो ये कहती है कि भाई विचार या चेतना ही सृष्टि का सार तत्व है, और समाज के अंतर्गत प्रत्येक प्रकार की जो सामाजिक संस्था है वो विचार की अभिव्यक्ति है। ये यूरोप की आदर्शवादी विचारधारा कहती है। तो इसी ही बात को भारत के आदर्शवादी विचारकों ने स्वीकार किया है। किसको? कि विचार या चेतना ही सृष्टि का सार तत्व है और प्रत्येक प्रकार की सामाजिक संस्था विचार की अभिव्यक्ति है। तो ये पांचों के पांचों जो आदर्शवादी विचार है को इस बात को स्वीकार करते हैं। किसको? कि विचार सृष्टि का सार तत्व है, प्रत्येक प्रकार की सामाजिक संस्था विचार की अभिव्यक्ति है। नोट करेंगे पूरा, प्रत्येक प्रकार की सामाजिक संस्था विचार की अभिव्यक्ति है। ये पांचों विचारक इस बात को स्वीकार करते हैं। पांचों विचारक, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, आदर्शवादी विचारक 5 कौन कौन से? विशेषकर 5 हैं, अरविंद घोष, लाल बाल पाल, दयानंद सरस्वती। आगे मैंने यहाँ डायग्राम बनाया है स्वतंत्रता आंदोलन। मतलब वास्तविक रूप में यदि आपको आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन समझना है तो स्वतंत्रता आंदोलन को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, 1885 से लेकर 1947 तक। 1885 क्यों माना है? क्योंकि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। किसके द्वारा? एओहम के द्वारा की जाती है। तो 1885 से लेकर के और 1905 तक का जो काल है, प्रथम काल, इसे कहते हैं उदार राष्ट्रीयता का काल, जिसका प्रमुख नेता गोपाल कृष्ण गोखले है। इसके बाद में 1906 से लेकर के 1919 तक का जो काल है, उसे कहते हैं उग्र राष्ट्रीयता का काल। इसके प्रमुख नेता लाल बाल पाल हैं और इनमें भी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इसके महत्वपूर्ण नेता हैं। इस उग्र राष्ट्रीयता के काल या इस उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा को ही आदर्शवादी विचारधारा भी कहा जाता है। और इसके बाद में तीसरा काल आता है स्वतंत्रता आंदोलन का, तीसरा युग या राष्ट्रीयता का तीसरा युग गांधी युग है। ये है 1920 से 1947, 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिल जाती है। तो ये बातें थोड़ा आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में हम दयानंद सरस्वती के विचारों का आज योगदान क्या रहा है इसकी चर्चा करेंगे, इसका मूल्यांकन करेंगे। बेटा ध्यान दे, योगदान एवं मूल्यांकन, मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो अपने ढेरों ग्रंथ लिखे हैं, रचनाएं लिखी हैं, जिसका कि हमने स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित जो पहला लेक्चर है उसमें सारी बातें बता दी, कौन कौन से इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं सब कुछ वहाँ बता दिया। सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश है। सत्यार्थ प्रकाश में दयानंद सरस्वती ने राजधर्म अर्थात राजनीति के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। जैसे कि प्राचीन भारत के अंतर्गत मनु ने अपनी मनुस्मृति के अंतर्गत 7वें अध्याय में राजधर्म या राजनीति के बारे में बहुत कुछ लिखा है। वैसे ही दयानंद सरस्वती ने भी सत्यार्थ प्रकाश में बहुत कुछ लिखा है। किसके बारे में? राजधर्म के बारे में, राजनीति के बारे में। तो आप नोट करेंगे दयानंद सरस्वती का योगदान या मूल्यांकन, समझें बेटा। वास्तविक रूप में स्वामी दयानंद सरस्वती के समय में दयानंद सरस्वती का जो विचार थे, इन विचारों का जनमानस पर बहुत प्रभाव पड़ा है। वैसे मूलतः दयानंद सरस्वती एक धार्मिक कोटि के पुरुष थे, एक धार्मिक चिंतक थे। अब धार्मिक चिंतक होने के कारण वास्तविक रूप में देखा जाए तो जनमानस ने दयानंद सरस्वती को ऋषि या महर्षि से संबोधित किया जनमानस ने, क्योंकि वैसे भी मूलतः धार्मिक चिंतक थे, धार्मिक कोटि के मनुष्य थे, आध्यात्मिक पुरुष थे। हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है दयानंद सरस्वती धार्मिक कोटि के पुरुष थे। वास्तविक रूप में देखा जाए तो एक धार्मिक चिंतक थे, जैसे कि मनु भी मूलतः एक धार्मिक चिंतक ही थे, ऐसे दयानंद सरस्वती भी मूलतः एक धार्मिक चिंतक थे। वो एक अलग बात है कि उन्होंने सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्षेत्र में भी एक से एक श्रेष्ठ विचार दिए हैं। आगे मैंने लिखा है चिंतन में ऐसे तत्व जो संपूर्ण मानव जाति का कल्याण करते हैं। मतलब वास्तविक रूप में देखा जाए तो दयानंद सरस्वती के चिंतन के अंतर्गत
ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिन तत्वों के द्वारा वास्तव में संपूर्ण मानव जाति का कल्याण होता है, संपूर्ण मानव जाति का कल्याण दयानंद सरस्वती के विचारों में निहित है। मतलब इन्होंने ऐसे ऐसे विचार दिए हैं जो विचार सार्वभौमिक हैं, सार्वलौकिक हैं, सार्वकालिक हैं। यही तो दयानंद सरस्वती का योगदान है भाई। वास्तव में किसी भी विचारक विशेष के योगदान का अध्ययन करते हैं तो उसको दो भागों में बांट दिया जाता है, समय विशेष के तत्व और शास्त्र तत्व। समय विशेष के तत्व ऐसे तत्व होते हैं, समय विशेष के विचार ऐसे होते हैं जो कि समय विशेष के साथ में ही समाप्त हो जाते हैं। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती के जन्म और मृत्यु तक हम उन विचारों का महत्व मान सकते हैं, उसके बाद में तत्व समाप्त हो जाते हैं। लेकिन कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं, कोई भी विचारक हो, कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं जो कि शाश्वत होते हैं। मतलब उस विचारक विशेष के समय में जो विचार देगा उस समय भी सही होते हैं, आज भी सही हैं और आगे भी सही हैं। तो दयानंद सरस्वती के विचारों में भी ऐसे शाश्वत तत्व हैं जो कि आज भी सत्य हैं और आगे भी सत्य रहेंगे। जैसे इन्होंने चरित्र निर्माण की बात की, अहिंसा की बात की, सत्यता की बात की, तो क्या आज इनकी ज़रूरत नहीं है? आज भी इनकी ज़रूरत है। क्या केवल भारत को ज़रूरत है? क्या विदेशों में इसकी आवश्यकता नहीं है? सब जगह इसकी आवश्यकता है। बस यही तो ये कहना चाह रहे हैं, यही तो इनका योगदान है। चलिए अब हम जो है यहाँ आप लिख सकते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती के चिंतन में ऐसे तत्व मौजूद हैं जिनसे संपूर्ण मानव जाति का कल्याण होता है। और ये तत्व जो हैं इसको हम पाँच बिंदुओं के माध्यम से समझाएंगे। पहला है वेद की पुनः प्रतिष्ठा। ज़रा ध्यान दें, मैं ये डायग्राम लास्ट टाइम फिर समझाऊंगा, ये सूत्र है ये तो, ठीक है। वेद की पुनः प्रतिष्ठा क्या मतलब है? स्वामी दयानंद सरस्वती का जो योगदान है, पहला योगदान ये है कि इन्होंने वेद की पुनः प्रतिष्ठा की। क्यों? कि स्वामी दयानंद सरस्वती के समय में वास्तव में देखा जाए तो धार्मिक क्षेत्र में अंधविश्वास, अंधश्रद्धा फैल रही थी। इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, इनको प्रधानता दी जा रही थी। ऐसी स्थिति में दयानंद सरस्वती ने कहा कि वेद सार्वभौमिक धर्म है, वेद अपौरुषीय हैं, मतलब पुरुष के द्वारा नहीं लिखे गए हैं, ईश्वर के द्वारा निर्मित हैं। तो वेदों में जो बातें लिखी गई हैं, वेदों में जो नियम हैं, वेदों में समाज व्यवस्था को, राज व्यवस्था को चलाने के जो नियम हैं, वो शाश्वत सत्य हैं। और इन्होंने कहा कि प्राचीन भारत जो था वो वास्तव में गौरवशाली भारत था, विश्वगुरु रहा हुआ है। तो इन्होंने कहा कि वेदों में जो सत्यता है उसको अपनाया जाए, मतलब वेदों की बातों को अपनाया जाए। और वेदों की बातों के आधार पर ही दयानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती के समय में समाज व्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में, राजनीतिक व्यवस्था के क्षेत्र में, धार्मिक व्यवस्था के क्षेत्र में जो बुराइयाँ थी, जो कमियाँ थी, उनको दूर करने का प्रयास किया। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दयानंद सरस्वती ने ही वेद की पुनः प्रतिष्ठा की। अर्थात दयानंद सरस्वती ने कहा कि वेदों के आधार पर हमें जीवन जीना चाहिए, अगर वेदों के आधार पर जीवन जिएंगे तो वो जीवन एक सच्चा जीवन होगा। और ये बात भी सत्य है कि वेद वास्तविक रूप में ऐसे ग्रंथ हैं जो अपने आप में प्रमाण हैं, मतलब ये सत्य ग्रंथ हैं। कारण क्योंकि ईश्वर के द्वारा निर्मित हैं। एक बात। दूसरी बात, धर्म की बुद्धि संगत व्याख्या एवं धर्म सुधार। बेटा ध्यान दें, दयानंद सरस्वती के विचारों का जो दूसरा योगदान है वो ये है कि इन्होंने धर्म की जो व्याख्या की वो बुद्धि संगत की, और इसी के साथ में इन्होंने धर्म में सुधार की कोशिश भी की। अर्थात इन्होंने वास्तविक रूप में देखा जाए तो इनके समय में धर्म के क्षेत्र में अंधविश्वास, अंधश्रद्धा व्याप्त थी, मूर्ति पूजा जोरों पर थी, बहुदेववाद जोरों पर था। इन सब बातों का इन्होंने खुलकर के विरोध किया और ये कहा कि वास्तव में धर्म तो सत्य है और जो धर्म है वो वेदों में व्याप्त है, तो इन्होंने धर्म की जो व्याख्या की, मैंने वेदों के अंतर्गत ही सारे, मतलब वेदों से संबंधित विचारों पर ही सारी बातें समझा दी हैं। तो धर्म की जो व्याख्या की इन्होंने उदार व्याख्या की है, ऐसी व्याख्या की है जो कि किसी एक संप्रदाय विशेष के लिए नहीं है, बल्कि एक सार्वभौमिक धर्म के रूप में इन्होंने धर्म की व्याख्या की है। और इन्होंने वेदों के आधार पर धर्म में सुधार करने की बात भी की। जैसा कि विद्वान के पी जायसवाल कह रहे हैं,
कि उन्होंने मतलब दयानंद सरस्वती ने उन्होंने हिंदू आत्मा को रूढ़िवाद तथा अंधविश्वास के बंधनों से इसी प्रकार मुक्ति दिलाई जैसे यूरोप की आत्मा को मार्टिन लूथर ने दिलाई थी। मतलब वास्तविक रूप में देखा जाए तो दयानंद सरस्वती ने हिंदू आत्मा को रूढ़िवाद अंधविश्वास के बंधनों से मुक्ति दिलाई। मुक्ति दिलाने का प्रयास किसके आधार पर? वेदों के आधार पर। इसका दूसरा योगदान है। तीसरा, सामाजिक क्षेत्र में योगदान या सोशल सिस्टम, समाज व्यवस्था के क्षेत्र में इनका क्या योगदान है? डेफिनेटली चूंकि ये वेदों को पुनः स्थापित करना चाह रहे, वेदों की प्रतिष्ठा चाह रहे, तो निश्चितता है कि चाहे समाज व्यवस्था हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो, जहाँ कहीं भी कोई कमी दिखाई दी इनको, तो वेदों के आधार पर उसको दूर करने का प्रयास किया है। तो नोट करेंगे सामाजिक क्षेत्र में योगदान। वास्तव में देखा जाए दयानंद सरस्वती ने नैतिक मूल्यों पर आधारित नोट करेंगे, मैंने यहाँ संक्षेप में लिखा है, आप पूरा लिखेंगे, नैतिक मूल्यों पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था की स्थापना के लिए वैदिक समाज दर्शन की स्थापना की। मतलब ये वेदों के अंतर्गत जो समाज व्यवस्था थी उस समाज व्यवस्था को स्थापित करना चाह रहे हैं। और वेद अपौरुषीय है, वेद स्वयं अपने आप में प्रमाण है, वेद सत्य हैं। इसलिए इन्होंने कहा कि वेदों की समाज व्यवस्था को अपनाया जाए। कैसे? एक एक बात समझेंगे। जैसे मैंने यहाँ सबसे पहले नोट किया है, सार्वजनिक हित की श्रेष्ठता स्थापित की। मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि व्यक्ति के व्यक्तिगत क्षेत्र में व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जाए, लेकिन व्यक्ति को सार्वजनिक क्षेत्र में परतंत्र रहना चाहिए। इसलिए दयानंद सरस्वती ने व्यक्तिगत हित के ऊपर सार्वजनिक हित की श्रेष्ठता स्थापित की। नोट करेंगे, व्यक्तिगत हित के ऊपर सार्वजनिक हित की श्रेष्ठता स्थापित की। इनका कहना है कि व्यक्ति को व्यक्तिगत क्षेत्र में स्वतंत्रता दी जाए, लेकिन सामाजिक सार्वजनिक क्षेत्र में उसे परतंत्र रहना चाहिए, उसे नियमों का पालन करना चाहिए। इसलिए इन्होंने व्यक्तिगत हितों के ऊपर सार्वजनिक हित की श्रेष्ठता स्थापित की। ये दयानंद सरस्वती का योगदान है समाज व्यवस्था के क्षेत्र में। अगली बात, दयानंद सरस्वती ने चूंकि वेदों की बात की, उन्होंने कहा है कि भाई जो चार पुरुषार्थ होते हैं प्राचीन भारत के अंतर्गत भी, मनु कोटिल शुक्र ने पुरुषार्थों की बात की है, चार पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष हैं। तो जो ये चार पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की, क्योंकि मानव जीवन का जो लक्ष्य है वो चार पुरुषार्थों की प्राप्ति है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। क्या? फिर से बोल रहा हूँ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। अब धर्म के अनुसार अर्थ और काम का प्रयोग किया जाएगा तो मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये प्राचीन जो है समाज दर्शन के अंतर्गत मौजूद है, वेदों में मौजूद है कि भाई धर्म के हिसाब से यदि अर्थ और काम का प्रयोग किया जाएगा तो व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए जो है दयानंद सरस्वती ने आश्रम व्यवस्था का समर्थन किया। आश्रम, चार प्रकार के आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। प्रत्येक आश्रम की जो कालावधि होती है 25 वर्ष होती है। तो इसका मतलब ये है कि दयानंद सरस्वती ने जो है व्यक्ति की औसत आयु 100 वर्ष मानी है। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम, 25 वर्ष फिर से बोल रहा हूँ 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 वर्ष गृहस्थ आश्रम, 25 वर्ष वानप्रस्थ आश्रम, 25 वर्ष संन्यास आश्रम। 25 वर्ष का हो गया। तो इन्होंने कहा कि भाई अगर आश्रम व्यवस्था के हिसाब से व्यक्ति अपना जीवन जिए तो निश्चित रूप में चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो सकती है। इसी के साथ में दयानंद सरस्वती के समय में जो देखा जाए तो जन्म पर आधारित जो जाति व्यवस्था थी, उस जाति व्यवस्था के अंतर्गत जो अन्याय हो रहे थे उनका विरोध किया, और गुण और कर्म के आधार पर इन्होंने वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया, और इन चार वर्णों की चर्चा की। चार वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मतलब दयानंद सरस्वती ने जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था का विरोध किया, और कर्म और गुण के आधार पर जो वर्ण व्यवस्था वेदों में भी है इसका समर्थन किया।
तो मैंने यहाँ लिख दिया वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। ठीक है, नेक्स्ट बात, सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया है। दयानंद सरस्वती ने समाज व्यवस्था के अंतर्गत, मतलब दयानंद सरस्वती के समय में समाज व्यवस्था में विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक कुरीतियाँ थी उन सभी सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया, जैसे कि बाल विवाह, जैसे कि नोट करेंगे आप, जैसे कि बाल विवाह, पर्दा प्रथा, इसी के साथ में स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, शूद्रों को भी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, इसी के साथ में जो महिला और पुरुष हैं उनको अपनी सहमति से विवाह करने का अधिकार नहीं था। तो इन सब में सुधार करने की बात की उन्होंने, और भी बहुत बातें हैं। ठीक है बेटा, मैंने संकेत दे दिया है। अब सुभाष चंद्र बोस दयानंद सरस्वती के बारे में कह रहे हैं कि दयानंद सरस्वती उन महान पुरुषों में थे जिन्होंने आधुनिक भारत का निर्माण किया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, दयानंद सरस्वती उन महापुरुषों में थे जिन्होंने आधुनिक भारत का निर्माण किया, डॉट डॉट का मतलब और भी कहा है इन्होंने, क्या कहा है, दयानंद सरस्वती उन महापुरुषों में थे जिन्होंने आधुनिक भारत का निर्माण किया, और इसी के साथ में दयानंद सरस्वती ने वेदों के आधार पर प्रत्येक क्षेत्र में जो कमियां थी, बुराइयां थी, दोष थे, उन सबको दूर करने का प्रयास किया। ये कह रहे हैं सुभाष चंद्र बोस। तीन बातें होगी, चौथा, प्राचीन भारतीय राजशास्त्र का पुनरुत्थान, मतलब दयानंद सरस्वती ने प्राचीन भारतीय राजव्यवस्था के अंतर्गत जो सिद्धांत थे उन सिद्धांतों को अपनाने की बात की। जैसे प्राचीन भारत के अंतर्गत शासन संगठन के बारे में जो कुछ भी कहा गया है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में, विधि व्यवस्था के बारे में, दंड व्यवस्था के बारे में जो कुछ भी कहा है, उन सब का इन्होंने पुनरुत्थान किया कि इनको अपनाओ। मैंने आपको पहले भी कह दिया कि दयानंद सरस्वती के ऊपर मनु की मनुस्मृति और कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रभाव पड़ा है। मनु की मनुस्मृति जिसमें 12 अध्याय हैं और कौटिल्य का अर्थशास्त्र जिसमें 15 अधिकरण, तो उनका प्रभाव दयानंद सरस्वती पर पड़ा, इसलिए कहा जा सकता है प्राचीन भारतीय राजशास्त्र की पुनः स्थापना करने की बात कर रहे हैं। कैसे? हालांकि दयानंद सरस्वती पाश्चात्य विचारों से, नोट करना है आपको, पाश्चात्य विचारों से अपरिचित थे, मतलब ये निश्चित है कि दयानंद सरस्वती पश्चिमी विचारों से अपरिचित थे, पश्चिम के विचारों से ये परिचित नहीं थे। इसके बावजूद भी स्वदेशी में स्वराज्य के समर्थक के रूप में प्राचीन भारतीय राजशास्त्र में रुचि थी, मतलब वास्तव में जो दयानंद सरस्वती हैं ये स्वदेशी व स्वराज्य के समर्थक के रूप में प्राचीन भारतीय राजशास्त्र में की रुचि थी, मतलब प्राचीन भारतीय राजशास्त्र के अंतर्गत देखा जाए तो स्वराज्य की बात की गई थी। वास्तव में देखा जाए तो उस समय भारत विश्व का गुरु था, और भारत विश्व का गुरु था लेकिन अन्य देशों को भी स्वतंत्रता देना पसंद करता था। तो वास्तव में जो दयानंद सरस्वती हैं इन्होंने स्वदेशी व स्वराज्य के समर्थक के रूप में प्राचीन भारतीय राजशास्त्र के अंतर्गत शासन संगठन के जो सिद्धांत थे उन सबको अपनाने की बात की, इसीलिए कह सकते हैं कि प्राचीन भारतीय राजशास्त्र का इन्होंने पुनरुत्थान किया। ठीक है, अब ये कैसे किया है, तो मनु कौटिल्य शुक्र के बारे में मैंने लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, आप प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। बेटा पाँचवा बिंदु, स्वराज्य के प्रथम संदेशवाहक, यस, स्वराज्य के प्रथम संदेशवाहक बहुत महत्वपूर्ण बात है। सबसे पहले तो यहाँ प्रश्न ये बनता है कि दयानंद सरस्वती स्वराज्य के प्रथम संदेशवाहक, ये किसने कही ये बात, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कही है। तो आप नोट कर लेंगे, तिलक ने दयानंद के बारे में कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती स्वराज्य के प्रथम संदेशवाहक थे। किसने कही है, तिलक ने, किसके बारे में, दयानंद सरस्वती के बारे में। और इसके बाद में स्वामी तिलक ने ही ये बात कही कि स्वराज्य मेरा जन्म से अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, लेकिन किसके बारे में, दयानंद सरस्वती के बारे में। इसलिए लाल बाल पाल इनके ऊपर दयानंद सरस्वती के विचारों का प्रभाव पड़ा, इसलिए दयानंद सरस्वती को कांग्रेस का पुरोगामी कहा जाता है। 1906 के बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिन नियमों को, जिन सिद्धांतों को अपनाती है, वो सिद्धांत वही हैं जो कि दयानंद सरस्वती ने दिए, इसलिए 1906 के बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऊपर दयानंद सरस्वती का विशेष प्रभाव रहा है। अब स्वराज्य के प्रथम संदेशवाहक क्यों कहा, स्वराज्य के प्रथम संदेशवाहक इसलिए कहा तिलक ने क्योंकि दयानंद सरस्वती के समय में वास्तविक रूप में देखा जाए तो ब्रिटिश लोगों के सामने बोलने का साहस तक नहीं हो सकता था, और उस समय में सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में इतनी अव्यवस्थाएँ थी, इतनी कुरूतियाँ थी, इतना अंधविश्वास था जिसकी कोई सीमा नहीं थी, भारत पतन के गर्त में डूबा हुआ था, मैं ये कह सकता हूँ। और पतन के गर्त में डूबे हुए भारत को उस समय ये साहस करना, क्या साहस करना,
कि स्वराज्य भारत की प्रथम आवश्यकता है और भारत भारतीयों के लिए। ये बात सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने कही, इसलिए ये बात कही जाती है कि स्वराज्य के प्रथम संदेशवाहक, प्रथम अग्रदूत कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। भले आगे चलकर एक तिलक ने कह दिया कि स्वराज्य मेरा जन्म से अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूँगा। तिलक ने ये बात जॉन लॉक से ली है, क्योंकि जॉन लॉक ने कहा है कि व्यक्ति को जन्म के साथ, बच्चे को जन्म के साथ तीन अधिकार मिल जाते हैं, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो तिलक ने तर्क दिया कि जब पश्चिम वाले ये बात मानते हैं कि बच्चे को जन्म के साथ तीन अधिकार मिल जाते हैं, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, तो तिलक ने कहा कि क्या हम मानव नहीं है? हम भी तो मानव हैं, और हम मानव हैं तो हमें भी जन्म के साथ स्वराज्य का अधिकार मिला है, इसलिए स्वराज्य मेरा जन्म से अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूँगा। तुम लोगों ने हमारा जन्म से अधिकार छीना है, अब बलपूर्वक तरीके से हम तुमसे छीन लेंगे, ये तिलक ने कहा है। देखिएगा इधर तिलक क्यों नोट किया, मैंने इसलिए किया है तिलक, क्योंकि तिलक ही ये बात कह रहे हैं कि दयानंद सरस्वती स्वराज्य के प्रथम अग्रदूत हैं, और तिलक ने ही ये बात कही है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, मैं इसे लेकर रहूँगा। नेक्स्ट, दयानंद सरस्वती के राष्ट्रवादी विचारों ने भारत को मानसिक दासता के कुसंस्कारों से मुक्ति दिलाई। मतलब वास्तविक रूप में स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही अपने राष्ट्रवादी विचारों के आधार पर, राष्ट्रवादी विचारों के ऊपर मैंने अलग से लेक्चर अपलोड कर दिया है दयानंद सरस्वती के राष्ट्रवाद संबंधी विचारों के नाम से। दयानंद के राष्ट्रवादी विचारों ने भारत को मानसिक दासता के कुसंस्कारों से मुक्ति दिलाई। क्यों? क्योंकि दयानंद सरस्वती ही देखा जाए तो आध्यात्मिक, क्या बोला मैंने, आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के जनक हैं, और दयानंद सरस्वती ने ही सबसे पहले ये बात कही थी कि वास्तविक रूप में देखा जाए तो प्राचीन भारत का जो गौरव था, उस गौरव का स्मरण करें तो आज हम जो ये दास बने हुए हैं, ये दासता हमारे लिए श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए इन्होंने कहा कि स्वराज्य भारत की प्रथम आवश्यकता है, और भारत भारतीयों के लिए, विदेशियों के लिए नहीं है। ठीक है, अगली बात, ये इन्होंने केवल कुसंस्कार से मुक्ति नहीं दिलाई, बल्कि दयानंद सरस्वती ने भारतीयों के अंतर्गत निर्भीकता, चारित्रिक दृढ़ता, चारित्रिक दृष्टि से मजबूत हों, निर्भीकता, किसी से डरे नहीं, शेर की तरह दहाड़ लगाएं, निर्भीकता, चारित्रिक दृढ़ता इत्यादि गुणों के बारे में कहने वाले दयानंद सरस्वती हैं। और ये दोनों बातें हैं जो ऐसी हैं, निर्भीकता और चारित्रिक दृढ़ता, और भी बहुत है, सत्यता, इंसा, इनकी आवश्यकता केवल भारतीयों को थोड़ी ना है, पूरी मानव जाति को है। और पूरी मानव जाति के, तो मैं ये कह सकता हूँ कि दयानंद सरस्वती के जो ये विचार हैं, ये शाश्वत विचार है, शाश्वत योगदान है, केवल दयानंद सरस्वती के समय में नहीं, ये तो जब तक मानव जाति रहेगी, मैं तो ये कहूँगा जब तक सूर्य चंद्रमा है, जब तक ये सृष्टि है, जब तक मानव जाति है, जब तक मानव इस धरा पर है, तब तक क्या निर्भीकता की जरूरत नहीं रहेगी? क्या चारित्रिक दृढ़ता की जरूरत नहीं रहेगी? क्या हिंसा की जरूरत नहीं रहेगी? क्या सत्यता की जरूरत नहीं रहेगी? क्या धर्म की जरूरत नहीं रहेगी? आप देखिएगा जरा, तो ये इसका शाश्वत योगदान है। तो ये पांच बिंदुओं के माध्यम से आप दयानंद सरस्वती के योगदान को समझ सकते हैं। अब निष्कर्ष मूल्यांकन के रूप में, बेटा स्वामी दयानंद सरस्वती ने वास्तविक रूप में देखा जाए तो धार्मिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र में अनुपम योगदान दिया है। लेकिन अनुपम योगदान देने के बावजूद भी कुछ विद्वानों ने दयानंद सरस्वती को मूलतः प्रतिक्रियावादी कहा, प्रतिक्रियावादी कहा। ऐसे विद्वान दो प्रकार के हैं जिन्होंने दयानंद सरस्वती को प्रतिक्रियावादी कहा। पहले हैं समाजवादी और मार्क्सवादी। समाजवादी और मार्क्सवादी का कहना यह है कि दयानंद सरस्वती धर्म के ऊपर महत्वपूर्ण रूप में बल दे रहे हैं, और समाजवादी और मार्क्सवादी कहते हैं, क्या कहते हैं कि वास्तविक रूप में देखा जाए तो धर्म तो एक औजार है, एक साधन है, किसका? पूंजीपतियों का। जैसा कि कार्ल मार्क्स ने कहा कि धर्म तो अफीम की गोली है, तो इन्होंने इसकी बुराई की कि भाई दयानंद सरस्वती के विचार मूलतः धर्म पर आधारित है, इसलिए इन्होंने कहा कि ये तो पूंजीवाद को बढ़ावा देने वाले हैं, लेकिन सत्यता नहीं इसमें। दूसरा है हिंदू पुनरुत्थानवाद, प्राचीन भारत के गौरव और शुद्धि आंदोलन को धार्मिक, जरा ध्यान दें, धार्मिक राजनीति की शुरुआत मानते हैं। मतलब दयानंद सरस्वती ने ही ये कहा था कि हिंदुओं का पुनरुत्थान होना चाहिए, मतलब वेदों के आधार पर अपना जीवन जिए, वेदों को अपनाएं, प्राचीन भारत की गौरव गाथा की बात की कि प्राचीन भारत कितना गौरवशाली था। इसी के साथ में इन्होंने शुद्धि आंदोलन को चलाया। शुद्धि आंदोलन का मतलब ये है कि यहाँ जरा समझें, यहाँ शुद्धि आंदोलन, शुद्धि आंदोलन,
शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन का अर्थ यह है कि दयानंद सरस्वती किसी भी रूप में ईसाई इस्लाम धर्म का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ इन्होंने तो हिंदुओं के बारे में ये कहा कि अगर वास्तविक रूप में आप ईसाई और इस्लाम लोगों के बहकावे में आकर के विधर्मी हो गए हैं तो आप पुनः हिंदू धर्म को अपनाओ, हिंदू धर्म को अपनाओ। ये एक प्रकार से शुद्धि आंदोलन है। तो ये जो शुद्धि आंदोलन चला है तो शुद्धि आंदोलन को धार्मिक राजनीति की शुरुआत मानते हैं। इनका कहना है कि धार्मिक राजनीति की शुरुआत और आगे चलकर इस धार्मिक राजनीति की शुरुआत पर ही भारत के टुकड़े हुए। फिर भारत के टुकड़े 1947 में भारत आज़ाद हुआ। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं लेकिन इन दोनों में सत्यता नहीं है। ये तो सिर्फ आरोप लगाएगा, आरोप तो कहीं पर कुछ भी लगाया जा सकता है। मैं आपके सूत्र दे रहा हूँ कि भाई किसी की भी आलोचना की जाती है तो आलोचना दो प्रकार की होती है, रचनात्मक आलोचना, रचनात्मक या सृजनात्मक आलोचना, आलोचना के लिए आलोचना। तो यहाँ पर जो आलोचना की जा रही है ये रचनात्मक या सृजनात्मक आलोचना नहीं है, बल्कि आलोचना के लिए आलोचना है। कमी में कमी निकाली जा रही है, कमी नहीं है फिर भी कमी निकाली जा रही है, बिना मतलब की कमी निकाली जा रही है, बिना मतलब की। मतलब मैं ये कहूँगा कि अच्छाई में कमी निकालना। इसके बाद में नेक्स्ट, स्वामीनंदन सरस्वती के योगदान का यदि मूल्यांकन करना है हमें तो योगदान का मूल्यांकन विशिष्ट परिस्थितियों प्रभावों के प्रसंग में करना चाहिए। केवल जो ये विद्वान कह रहे हैं कि भाई ये जो है धार्मिक राजनीति को शुरुआत करने वाले हैं जिसका परिणाम आगे चल करके भारत का विभाजन हुआ, या फिर जो है ये मार्क्सवादियों की बात जो है कि भाई धर्म को अफीम की गोली कह रहे हैं मार्क्सवादी, और ये कह रहे हैं भाई दयानंद सरस्वती ने धर्म की बात की, इसका मतलब ये कि ये पूंजीवाद के समर्थक। दोनों विद्वानों की बातों में सत्यता नहीं है, इसलिए दयानंद सरस्वती के विचारों के योगदान का मूल्यांकन करना है तो उस समय की जो विशिष्ट परिस्थितियाँ हैं उसके प्रभाव के प्रसंग में करना चाहिए। उस समय की परिस्थितियाँ कैसी थी, तो उस समय की परिस्थितियाँ यदि देखी जाए तो सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में सब जगह अव्यवस्था और अन्याय था। तो इस संदर्भ में ध्यान रखते हुए इन्होंने वेदों के आधार पर धार्मिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था प्रत्येक क्षेत्र में सुधार करने की बात की। क्यों? क्योंकि वेद अपौरुष हैं, वेद प्रमाण हैं, वेद सत्य हैं, वेद सार्वभौमिक हैं, सार्वलौकिक हैं, सार्वकालिक हैं। तो क्या गलत कहा है इन्होंने? सत्यता है, पूरी मानव जाति के लिए हैं वेद। तो मैं तो कहूँगा क्या पूरी मानव जाति के लिए वेद, वेदों में किसी धर्म विशेष के बारे में नहीं कहा गया, संप्रदाय विशेष, संप्रदाय विशेष के बारे में कहा कि ये अपना ये नहीं, नहीं वो तो मानव जाति के लिए। इसके बाद में इनके योगदान के बारे में विद्वान है रोम्यारोला कह रहे हैं दयानंद सरस्वती अकेले भारत में सिंह की तरह गरजे और उन्होंने अकेले विदेशियों द्वारा फैलाए गए नवीन प्रभाव को रोक दिया। विदेशियों के द्वारा भारत में जो प्रभाव फैलाया जा रहा था उसको रोक दिया, सिंह की तरह, शेर की तरह, एक बात। दूसरी बात, अरविंद घोष कह रहे हैं कि दयानंद सरस्वती आध्यात्मिक क्रियावादी की एक शक्ति संपन्न मूर्ति का है। मतलब अरविंद घोष ने दयानंद सरस्वती को आध्यात्मिक क्रियावादी की एक शक्ति संपन्न मूर्ति कहा है। फिर से बोल रहा हूँ, आध्यात्मिक क्रियावादी की एक शक्ति संपन्न मूर्ति कहा है। दो बात। तीसरा, मोहनदास करमचंद गांधी जी, दयानंद ने धर्म जागृति बढ़ाई, नोट करना, दयानंद ने धर्म जागृति बढ़ाई, डॉट डॉट का मतलब और भी बात है, मैं बोलूँगा पूरी। दयानंद ने धर्म जागृति बढ़ाई, दयानंद ने संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा के प्रति जागृति बढ़ाई, दयानंद ने वेदों के प्रति जागृति बढ़ाई, ये सारी बातें लिखनी है। किसने कहा है ये? मोहनदास करमचंद गांधी जी ने। तो इन रोम्यारोला, अरविंद घोष और मोहनदास करमचंद गांधी जी के तीन जो वाक्यांश हैं इनके आधार पर आप दयानंद सरस्वती के योगदान को अच्छे से समझा सकते हैं। सारी बातें स्पष्ट होने के बाद में दयानंद सरस्वती का यदि आपसे एग्जाम में योगदान मूल्यांकन पूछा जाता है तो ये सारी बातें आप समझा दीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद में इधर आइएगा, ये डायग्राम मैंने यहाँ लिखा है सूत्र, मतलब दयानंद सरस्वती के योगदान को समझना हो, मूल्यांकन करना हो तो इसका ये सूत्र है। सूत्र क्या है? दयानंद सरस्वती वास्तविक रूप में देखा जाए तो स्वदेशी के प्रथम अग्रदूत, स्वराज्य के प्रथम अग्रदूत, बहिष्कार के बारे में कहने वाले प्रथम, राष्ट्रीय स्वाभिमान की बात करने वाले सबसे पहले। इसलिए मैंने लिखा है स्वदेशी, स्वराज, बहिष्कार, राष्ट्रीय स्वाभिमान के रूप में, नोट करना है आपको ये, स्वदेशी, स्वराज, बहिष्कार, राष्ट्रीय स्वाभिमान के रूप में
दयानंद सरस्वती ने, नोट करो, दयानंद सरस्वती ने नैतिक बौद्धिक राजनीतिक आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। ये इसका योगदान है। फिर से सूत्र, स्वदेशी, स्वदेशी की प्रथम संदेशवाहक कौन है? दयानंद सरस्वती। किसने कहा है? तिलक ने कहा है। स्वदेशी, स्वराज, बहिष्कार, राष्ट्रीय स्वाभिमान के रूप में दयानंद सरस्वती ने नैतिक बौद्धिक राजनीतिक आंदोलन की, राजनीतिक आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की, जिसका परिणाम भारत की आज़ादी 15 अगस्त 1947। क्योंकि लाल बाल पाल गांधी जी इन सब के विचारों के ऊपर दयानंद सरस्वती के विचारों का प्रभाव पड़ा है। ये जो सूत्र दिया है, इन सब को आगे के विचार को भी स्वीकार किया। लाल बाल पाल, किसने ये बातें स्वीकार नहीं किए बताइए मुझे? सबने बातें स्वीकार किए। और मोहनदास करमचंद गांधी ने तो लास्ट में कह दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन की जब बात हुई थी तो उस समय करो या मरो का नारा दिया था, करो या मरो, लास्ट सब कुछ, अंत में क्या करेगा आदमी फिर? तो दयानंद सरस्वती के विचारों का प्रभाव है। तो ये हो गया दयानंद सरस्वती के विचारों का योगदान और मूल्यांकन। मुझे पूरा विश्वास है आप स्वामी दयानंद सरस्वती को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। दयानंद सरस्वती के बारे में जितनी महत्वपूर्ण बातें थी मैंने एक एक करके आपको समझा दी। मुझे विश्वास है आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।